बीते कुछ समय से देश में लगातार मम्स के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित देश के कई हिस्सों में बच्चे लगातार इस संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। लगातार बढ़ते मम्स के मामले माता पिता के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं लक्ष्मी, आप देख रहे हैं thehealthsite.com। मम्स एक तरह का वायरल संक्रमण है जो बच्चों में ज्यादा होता है। ये संक्रमण सांस लेने या संक्रमित लार से दूषित वस्तुओं के सीधा संपर्क में आने से फैलता है। बता दें, मम्स के लक्षण 12 से 24 दिन बाद देखने को मिलते हैं। बच्चों में मम्स होने के कई लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे ठंड लगना, सिर दर्द होना, भूख कम लगना, कमजोरी, हल्का बुखार और लार पैदा करने वाली ग्रंथियों में सूजन आ जाना। बच्चों को ये समस्या होने पर निगलने या चबाने में हल्का दर्द हो सकता है। बच्चों में मम्स होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है खांसना या छींकना। बता दें, मम्स बच्चों में आसानी से फैल सकता है। इसके संक्रमण कई दिन तक जिंदा रहते हैं। बहुत से बच्चे जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो इसके फैलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर तब जब बच्चे खांसते या छींकते हैं। दूसरा कारण है खाना शेयर करना। बता दें, बच्चों में मम्स का संक्रमण साथ खाने या पानी पीने से भी फैल सकता है। मम्स होने पर संक्रमित व्यक्ति करीब 15 दिन तक रोग फैला सकता है। ऐसे में जिनको मम्स हुआ है उस बच्चे के साथ भोजन करने से स्वस्थ बच्चे में यह आसानी से फैल सकता है। तीसरा है बर्तन शेयर करना। बता दें, जुकाम या फ्लू की तरह ये बच्चों में आसानी से फैल सकता है। ऐसे में अगर बच्चा संक्रमित बच्चे का बर्तन शेयर कर ले तो स्वस्थ बच्चे को मम्स हो सकता है। मम्स वायरस हार्ट सरफेस, खिलौनों और दरवाजों की कुंडी पर भी रह सकता है। बच्चों में मम्स के बचाव के लिए क्या करना है आपको बता दें। बच्चों को मम्स से बचाने के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। बच्चों को ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना भेजें। घर के सदस्य खाना बनाने से पहले हाथ अच्छे से धोएं। बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें। जिन जगहों को बच्चा छूता है उसे डिसइंफेक्टेंट जरूर करें। इसके अलावा बच्चों में ये आदत डालें कि बच्चा किसी का भी बर्तन शेयर ना करे। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़े इस तरह के और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हेल्थ बाय डॉक्टर।